जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे बर्मिंगम वर्सेस ओवल द 100 मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच एजबेस्टन बर्मिंगम के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 11:30 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं क्या करूँगा आपको पता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 1 अगस्त को बर्मिंगम वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में मैच हुआ था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे जो पिच रहेगी ना, वो मेरे हिसाब से यूज पिच रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन पहले मैच हुआ था। तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों आमतौर पर जो पिच होती है एजबेस्टन की, ये पिच दोस्तों बैट्समैन फ्रेंडली होती है, प्लस यहाँ पे पेसर्स को मदद मिलती है। और दोस्तों होम ग्राउंड है किसका, बर्मिंगम फोनिक्स का। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो टीम बैट फर्स्ट करी ना इस वेन्यू के ऊपर, वो 4 बार जीती है आउट ऑफ लास्ट 8 गेम्स। और जो टीम दोस्तों यहाँ पे चेस करती है, वो भी 4 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 8 गेम्स। एवरेज स्कोर 140-160 आपको उमदा दिखेगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे लास्ट 8 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है। तो देखो पेसर्स ने, मतलब तेज गेंदबाजों ने 70 विकेट निकाले पहली पारी के अंदर, 42 विकेट्स है दूसरी पारी के अंदर, 28 विकेट। तो पहली पारी के अंदर पेसर्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। अब देखो किस टाइप के पेसर्स अब विकेट निकालते हैं। राइट आर्म पेसर्स 67 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 4 विकेट है। और स्पिनर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो स्पिनर्स ने भी यहाँ पे ठीक ठाक करा है। मतलब देख लो आप, पेसर्स ने 70 विकेट निकाले हैं, तो स्पिनर्स ने दोस्तों 35 विकेट निकाले, मतलब आधे विकेट्स निकाल रखे हैं। लास्ट 8 मैचेस के अंदर देखो, पहली पारी के अंदर यहाँ पे किसने, स्पिनर्स ने 14 विकेट निकाले हैं। दूसरी पारी के अंदर देखो आप, यहाँ पे 21 विकेट निकाले हैं। तो कह सकते हैं दूसरी पारी के अंदर दोस्तों स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, पहली पारी के अंदर पेसर्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो किस टाइप के यहाँ पे स्पिनर्स विकेट निकालते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स 12 विकेट है, लेग स्पिनर्स 10 विकेट है, ऑफ स्पिनर्स 5 विकेट है, लेफ्ट आर्म चैनमैन 8 विकेट है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट मैच में क्या हुआ था, जो हुआ था 1 अगस्त को बर्मिंगम वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। तो उस मैच में दोस्तों 4 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाला था और 5 विकेट दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। और यहाँ पे क्लाउडी वेदर दोस्तों रहने वाला है, मेरे सबसे बारिश के बहुत ही कम चांसेस है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ दोस्तों ग्राउंड डायमेंशंस। तो देखो यहाँ पर ये है अपना कौन सा एजबेस्टन का, आपको मैं दोस्तों प्रूफ भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, या आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड डायमेंशंस। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है, ये आपको यहाँ पे 67 मीटर की देखने को मिलेंगी, मतलब छोटी दोस्तों सामने की बाउंड्री है, बहुत छोटी है। वहीं स्क्वायर बाउंड्रीज देखो आप, यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज मतलब होता है लेग साइड की और ऑफ साइड की, ये आपको यहाँ पे 69-63 मीटर की देखने को मिलेंगे। तो अपन कह सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, छोटा सा ग्राउंड है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बाउंड्री को क्लियर करना बहुत ईजी है। तो स्पिनर्स को दोस्तों पे दिमाग से बॉलिंग करानी पड़ेगी, पिच स्लो रही तो आप स्पिनर्स को दोस्तों पक्का हेल्प मिलेगी यूज पिच होती है तो। और आपको बताया दोस्तों, पहले तो वुमेंस का मैच होगा यहाँ पर रात को 8 बजे, ठीक है। पहले दोस्तों 7:30 बजे होता था, लेकिन आपको बताया दोस्तों एक बहुत अच्छी अपना ये टूर्नामेंट है, कौन सा सीरीज है कह सकते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। इस वजह से उसका टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, आधा घंटे पुश कर दिया गया टूर्नामेंट को, ठीक है, द 100 को। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैच यूज्ड पिच में होना चाहिए, वुमेंस का मैच होगा पहले, तो अपन उस मैच में देखेंगे दोस्तों पिच स्लो होती या नहीं होती है, मैं आपको अपडेट दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। अब देखो दोस्तों वेदर फोकस की बात कर लेते हैं, ये मैच है दोस्तों वेनसडे के दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों यहाँ पे क्या, ये देख लो आप, ये मैच ना 6 बजे स्टार्ट होगा इंग्लैंड के टाइम के अनुसार। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया वेदर लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पे सूरज ज़्यादा की फोटो भी बना रखी है, मतलब क्लाउडी वेदर आएगा, हल्का सा बारिश नहीं होनी चाहिए वैसे तो आमतौर पर। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है दोस्तों। आपको रूल्स ऑफ द 100 नहीं पता तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करना रूल्स ऑफ द 100 बाय स्टैट्स गुरुजी इन हिंदी, सबसे टॉप पर मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको। न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ओवल की तरफ से बस एक ही है कि सैम करन, संदीप लमी छमे दोस्तों बाहर हो चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट है तरबराज शमशी। अब चलते हैं यहाँ पे लाइनअप्स की तरफ। तो इस टूर्नामेंट के अंदर दोस्तों अभी तक है बर्मिंगम ने क्या करा है, 1 लॉस लॉस 1, तो 4 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते और 2 मैचेस दोस्तों हारे। फिन एलन ओपन करेंगे दोस्तों, बहुत ही अटैकिंग प्लेयर है, सब जानते हैं इनके बारे में। विल समिथ आएंगे दोस्तों, यहाँ पे पिछले मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच रहे थे। लियम लिंगस्टन 1 डाउन आएंगे, या फिर दोस्तों कभी कभी मोइन अली भी 1 डाउन आ जाते हैं। अब फिर आएंगे यहाँ से माइल्स हैमंड, क्रिस बेंजामिन कीपिंग दोस्तों ये कह रहे थे लास्ट मैच के अंदर,
बेनी होवल एट डेमलिन दोस्तों तगड़ा गेंदबाज आ रही है, बहुत ही बेहतरीन स्पेल्स डाल रहा है। टॉम एलम, पैट्रिक ब्राउन, इमरान ताहिर, चलते हैं दोस्तों अब एक इसकी तरफ है ओवल की तरफ। तो पहला मैच वॉन अबॉन्डेंट, लॉस वॉन, तो ये भी दोस्तों बढ़िया टीम है कुल मिलाकर। ऐसे तो उसने तीन ही मैच खेले, खेलने तो चार चाहिए थे लेकिन एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, तो इनके मेरे हिसाब से ठीक ठाक पोजीशन है एज कम्पेयर टू जो टीम है ना यहाँ पर बर्मिंघम। जस्टिन रॉय ओपन करते हैं विल जैक्स के साथ, नारायण बाबा वन डाउन, सैम बिलिंग्स, कॉलिन इंग्राम, लॉरी इवांस, टॉम करन, नैथन सॉटर दोस्तों शायद ही आएंगे, रिस टोपली, शाकिब महमूद, शमशी। अब देखो यहाँ पर गिव अवे किसके ऊपर है, जस्टिन रॉय, हैशटैग स्टैट्स गुरुजी, और आपको बताना दोस्तों यहाँ पर जे आर जस्टिन रॉय कितने रन बनाएंगे। गिव अवे विनर का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करा जाएगा, ठीक है, प्राइस फॉर द गिव अवे इज नॉट देयर। अब चलते हैं दोस्तों की तरफ, लास्ट मैच में क्या हुआ था तो आप देख सकते हो यहाँ पे बर्मिंघम की तरफ से फिन एलन ने पहले मैच में 11 करा, एक करा, फिर 14 करा, पर लास्ट मैच में दोस्तों इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था, 43 की नॉक खेली थी मात्र 23 गेंदों के अंदर इसी वेन्यू के ऊपर। विल समीद आएंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा ऐसा प्लेयर है जिसको अपन फियरलेस क्रिकेटर के रूप में जानते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खेलता है दोस्तों, सॉमरसेट का प्लेयर है, 36 करा 13 गेंद के अंदर, बहुत ही बढ़िया नॉक थी वो। लियम लिंगस्टन 19 रन पहले मैच में, फिर 12 रन, फिर 268 की नॉक थी सेकंड लास्ट मैच के अंदर, और लास्ट मैच के अंदर 23 की नॉक खेली थी 12 गेंदों के अंदर, बहुत ही बढ़िया पारी थी अपन कह सकते हैं वो। मोइन अली ये दोस्तों 20 बॉल डाल रहे हैं, देख के अच्छा लगा, और दोस्तों बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, पहले मैच में 40, 15, फिर यहाँ पे 0 पे आउट हुए जैक लिंटर थे आई थिंक, फिर यहाँ पे 26 करा, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनका। लास्ट मैच में 20 बॉल डाला, उससे पहले भी दोस्तों उसने 20 बॉल डाला, फर्क क्या था कि लास्ट मैच में 29 रन दिया, उससे पहले 39 रन दे दिए थे 20 गेंदों के अंदर। माइल्स हैमंड 5, 13, 43, 4, ये भी दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं, दिक्कत क्या आती है जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है ना तब ये जाके परफॉर्मेंस देते हैं। क्रिस बेंजामिन दोस्तों इनका भी वही फॉर्मूला है, जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तब परफॉर्मेंस देंगे, 24, 9, और लास्ट मैच में दोस्तों 9 करा था 4 गेंदों के अंदर। आदिल कौन थे अपने, राशिद खान थे, उनको दोस्तों उन्होंने रिवर स्वीप मारा था, आप सोचो देखो कितना डिफिकल्ट शॉट है, एक तो राशिद खान की दोस्तों बॉल बहुत तेज आती है। बेनी होवल 2 विकेट है पहले मैच में, फिर 1 विकेट दूसरे मैच में, तीसरे मैच के अंदर दोस्तों विकेट लेस, 15 गेंदों में 17 रन दिया, इनकी इकोनॉमी दोस्तों बहुत अच्छी रहती है हमेशा ना, 20-25 रन देते हैं मुश्किल से, एकदम खींच के 20-25 रन देते हैं 20 गेंदों के अंदर, तो रन बहुत कम पिटवाते हैं। लास्ट मैच में भी इसने 1 विकेट निकाला 23 रन देके, तो बॉलिंग अच्छी कराते हैं, गति परिवर्तन अच्छा करते हैं दोस्तों, नकल बॉल अच्छे डालते हैं, बैक ऑफ द हैंड अच्छे डालते हैं, कटर्स अच्छे डालते हैं, ठीक है। टॉम एलम 2 विकेट, फिर सेकंड लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट था, 17 गेंद के अंदर 40 रन दे दिया, और लास्ट मैच में दोस्तों 10 गेंदों के अंदर 26 रन दिया, 1 विकेट निकाला, तो ऐसे तो बढ़िया प्लेयर है। एलेक्स हिल्स ने दोस्तों स्क्वाड 83 चल गया था लास्ट मैच के अंदर, स्टार्टिंग की 5 बॉल के अंदर इसने कुछ 20 रन दे दिया था। एडम मिलिन 2 विकेट, फिर दोस्तों यहाँ पे 3 विकेट, 2 विकेट, तगड़ा गेंदबाज है दोस्तों इमरान ताहिर, 0-1-1-0 विकेट, लास्ट मैच में तो पूरा कोटा भी उन्हें पूरा नहीं कराया था, 15 गेंद में 21 रन दिया था। पैट्रिक ब्राउन 15 गेंद में 30 रन दिया था, ऐसे तो बढ़िया बॉलर है, फॉर्म थोड़ा सा खराब है, इंजरी से वापसी कर रहे हैं पैट्रिक ब्राउन। स्टार्टिंग ओवर एडम मिलिन, टॉम हेलम, और दोस्तों पैट्रिक ब्राउन खेलेंगे तो आएंगे, वरना बेनी होवल। डेथ ओवर्स में एडम मिलिन, टॉम हेलम, बेनी होवल और पैट्रिक ब्राउन। चलते हैं दोस्तों आप ओवल की तरफ, जस्टिन रॉय 20 रन 52, और लास्ट में दोस्तों 8 रन की नॉक खेली थी 6 गेंदों के अंदर, मैट मिलिंस ने आउट करा था इनको। विल जैक्स 15 रन 2 रन, और दोस्तों लास्ट मैच में उसने 5 बॉल भी डाली थी, 7 रन दिया था, बॉलिंग थोड़ी बहुत करा लेते हैं ऑफ स्पिनर है, और 20 रन विद द बैट था 9 गेंदों के अंदर, तो ये बैटिंग दोस्तों अच्छी करते हैं। लास्ट मैच में शॉट थोड़ा खराब खेला था उन्होंने, जेम्स विशम की शॉर्ट बॉल थी, सेटअप करा था उनको शॉर्ट बॉल के ऊपर, हेलमेट के पास बॉल डाली थी उन्होंने दोस्तों, मिड ऑन के ऊपर कैच दे दिया था वहाँ पे। फिर आएंगे यहाँ से नारायण बाबा 1 विकेट 2 रन 22 रन 1 विकेट, लास्ट मैच में दोस्तों 20 गेंदों के अंदर 19 रन दिया था, विकेटलेस गए, लेकिन दोस्तों बढ़िया परफॉर्मेंस था विद द बॉल अपन कह सकते हैं, और विद द बैट 19 रन को करा था 11 गेंदों के अंदर, दोस्तों बढ़िया प्लेयर है, बस अपने दिन के हिसाब से चलता है। लेग साइड पे दोस्तों सिक्स बहुत ज़्यादा मारते हैं, मतलब मेरे हिसाब से सामने वाली टीम को उनकी कमजोरी पता है, या तो शॉर्ट बॉल डाल दो, या तो फिर दोस्तों इनको जो ऑफ स्टंप की वाइड लेंथ होती है ना वहाँ पे डाल दो, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मेरे हिसाब से इनकी दोस्तों दिक्कतें थोड़ी हो सकती है विद द बैट, आते मारना चालू करते हैं तो हार या तो पार। सैम बिलिंग्स 49-3 लास्ट मैच में 40 की दोस्तों कैप्टनसी की नॉक थी, बहुत ही बढ़िया खेला था उन्होंने। कॉलिन इंग्राम आएंगे यहाँ से, अभी तक दोस्तों टच में नहीं लगे हैं, एक तो ओवरसीज प्लेयर है, साउथ अफ्रीका से आते हैं, लेकिन बात होना यार ओवरसीज प्लेयर हमेशा मैचेस जिताते हैं, पर वैसा दोस्तों देखने को नहीं लगा। पहला मैच में 17, फिर 2 रन, लास्ट मैच में दोस्तों का समय को पिक ही नहीं कर पा रहे थे, उनकी बॉल अंदर आ रही है बाहर जा रही है, कितना स्पिन होगी, 16 गेंद 9 रन। लॉरी वांस ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, 0-8, बस दिक्कत क्या बहुत ही नीचे खेलते हैं, 28 रन की नॉक थी 17 गेंदों के अंदर नॉट आउट। जॉर्डन क्लार्क 5 गेंदों में 6 रन दिया विकेटलेस, और लास्ट मैच में दोस्तों कुछ रोल ही नहीं था इनका, ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली इनको।
टॉम गरन 29 एक विकेट है, 34 रन एक विकेट है, और दोस्तों लास्ट मैच के अंदर 20 गेंदों के अंदर 29 रन दिया था, 3 विकेट निकाला, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई थी, निशम को दोस्तों डक पे आउट करा था वहां पर। तगड़े गेंदबाज अपन कह सकते हैं, प्लेयर टू वॉच आउट शमशी, पहले मैच में 0 विकेट 28 रन दिया था उसने 20 गेंदों में। लास्ट मैच में दोस्तों अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन था। शमशी बाबा दोस्तों T20I के नंबर 1 बॉलर है, रेपुटेशन इनके पास है दोस्तों, तो बैट्समैन जब भी इनको खेलता है तो सोचते रहते तो T20I का नंबर 1 बॉलर है, तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। उसका टेम्परामेंट दोस्तों थोड़ा सा हिल सकता है बैट्समैन का। क्रिस टोपली 1 विकेट 0 विकेट लास्ट मैच में, 15 गेंदों में 14 रन दिया था, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं ये, तब पेन का बहुत अच्छा है। साकिब महमूद लास्ट मैच में 1 विकेट 23 रन देखे, उससे पहले 2 विकेट 19 रन देखे, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे ऐसे शाकिब, क्रिस टोपली, नारायण बाबा, डेथ ओवर में आएंगे दोस्तों ऐसे कौन, शाकिब महमूद, क्रिस टोपली, टॉम करन एंड शमशी। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, वेन्यू स्टैट्स की तरफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेन्यू स्टैट्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये होम ग्राउंड है किसका, ये दोस्तों होम ग्राउंड है बर्मिंगम फोनेक्स का, एज वेस्टर्न बर्मिंगम। तो देखो यहाँ पे फिन एलन 11 रन 43 दोनों बार चेस, विल समिथ 36 वाली चेस, लियाम लेसन 10 मैचेस के अंदर 133 रन 20 के एवरेज, 3 विकेट है, बैट फर्स्ट 22 12 नॉट 0, बैट सेकंड 30 नॉट आउट 19 10 8 नॉट आउट। मोइन अली आएंगे दोस्तों यहाँ से, कैप्टनसी करें इस टीम की, तो 14 मैच खेले हैं यहाँ पर, 38 के एवरेज है, 470 रन से 15 विकेट है दोस्तों यहाँ पर, बढ़िया एक्सपीरियंस है इनका, 115 41 40 37 32 21 3 0 नॉट आउट 0 स्वैनिक ओवर, बैट फर्स्ट बैट सेकंड में दोस्तों हर बार 20 प्लस स्कोर करा, एक मैच को छोड़ दो तो 85 नॉट आउट 41 26 लास्ट मैच में करा था, 26 और फिर 23 6 करा है। माइल्स एमंड 41 154, क्रिस बेंजामिन 24 नॉट आउट 9 नॉट आउट, बैनी होवल 21 प्लस एक विकेट है 16 रन, फिर यहाँ पे 17 रन 2 विकेट है, फिर 1 विकेट है। एडम लिंग का दोस्तों पे 2 मैचों में 4 विकेट है, टॉम हेलम का यहाँ पे 2 मैचेस में 3 विकेट है, इमरान ताहिर का 14 मैचेस के अंदर यहाँ पे 10 विकेट है, और 8 मैचेस के अंदर यहाँ पे विकेटलेस गए हैं। पैट्रिक ब्राउन 10 मैचेस में 11 विकेट, 4 मैच के अंदर यहाँ पे विकेटलेस गए हैं। चलते हैं ओवल की तरफ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कम प्लेयर्स ने खेला, सबसे पहले बात करते हैं जस्टिन रॉय की, यहाँ पर 7 मैचेस खेले 200 रन है, 20 रन की एवरेज है। अब देखो बैट फर्स्ट 66 44 8, बैट सेकंड 58 13 6 5, विल जैक्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो 16 रन एक विकेट है 3 रन 2 विकेट है, तो यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने अपन देखते हैं तो, पर इनको शायद ही बॉलिंग करने का बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि इस टीम के 6th बॉलर है, मतलब वो बात हो गई ना कि अगर किसी बॉलर का दिन खराब हो गया तब जाके इनको बॉलिंग मिलती है। नारायण यहाँ पे नहीं खेले, सैम बिलिंग्स नहीं खेले, कॉलिन इंग्राम ने दोस्तों यहाँ पे 11 करा था वाइल चेसिंग, लॉरी इवांस का दोस्तों ग्राउंड एक तरीके से अपन कह सकते हैं जब उन्होंने अपना क्रिकेट क्लब स्टार्ट करा था तब यहीं से खेला था वॉबेक शायर के लिए, तो 33 मैचेस के अंदर 577 रन से 26 के एवरेज है। क्रिस टोपली 2 2 2 1 विकेट है, तो कुल मिलाकर इस भाई साहब का यहाँ पे 7 विकेट है 4 मैचेस के अंदर। शाकिब महमूद 2 मैच में 1 विकेट है और 1 विकेट इसने बॉल सेकंड करते हुए निकाला था, मेरे हिसाब से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शमशी यहाँ पे दोस्तों एक ही मैच खेले थे नॉर्थहैम्पटन शहर की तरफ से, उसके अंदर इसने 2 विकेट निकाला था। ब्रेंडन ग्लोवर 2 मैच में 1 विकेट। चलते हैं दोस्तों आप इसकी तरफ, रिसेंट फॉर्म प्लस T20 स्टैट्स की अपन बात कर लेते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो सारे स्टैट्स, जैसे कि फाइनल लाइन आज तक T20 के अंदर 29 मैच खेले 39 की एवरेज है 1000 रन से, हाईस्ट 19 नॉट आउट है, 30 प्लस 11 बार करा है, बैट फर्स्ट 37 बैट सेकंड 42 की एवरेज इसके T20 क्रिकेट के अंदर। इस साल दोस्तों जनाब ने क्या करा है, इस जनाब ने इस साल 25 मैचेस खेले T20 के अंदर 42 की एवरेज है 935 रन है। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे हर प्लेयर के स्टैट्स को समझ सकते हो बारीकी से, मैंने यहाँ पे दोस्तों हर प्लेयर को यहाँ पे बारीकी से पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है, ठीक है। जो आप देख सकते हो जस्टिन रॉय हो गए यहाँ पर। अब बात करते हैं प्लेयर बैटल की दोस्तों, मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। देखो फिन एलन और शाकिब महमूद दोस्तों एक ही टीम में थे इस बार लैंकेशायर के लिए T20 ब्लास्ट के अंदर, तो ये दोनों दोस्तों भली बात ही जानते हैं एक दूसरे को। शाकिब महमूद दोस्तों नई बॉल से बॉलिंग कराएंगे, फिन एलन दोस्तों ओपन करेंगे, तो दोनों में बहुत अच्छी यहाँ पे प्लेयर बैटल देखने को मिलेगी। और लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने अटकते हैं, तो सामने दोस्तों एक पेसर रहेंगे क्रिस टोपली, परेशान कर सकते हैं। विल समीथ वर्सेस कह सकते हैं यहाँ पे लेग स्पिन दिक्कत है, 6 पारियों में 3 बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने 18 पारियों में 6 बार आउट हुए हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने 16 पारियों में 6 बार आउट हुए हैं। लियाम लिविंगस्टन वर्सेस शमशी 7 गेंद 6 रन 1 बार आउट करा है, लेग स्पिन के सामने फंसते हैं, ऑफ स्पिन के सामने फंसते हैं थोड़ा बहुत। मोइन अली वर्सेस नारायण 10 गेंद 19 रन 1 बार आउट हुए हैं, और ये दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने फंसते हैं मोइन अली, तो क्रिस टोपली इनके लिए दिक्कत हो सकती है। आएंगे यहाँ से माइल्स हैमंड, इनका स्ट्रगल है क्रिस टोपली के सामने, 20 गेंद 18 रन 1 बार आउट हुए। डैनियल बिलरमेंट वर्सेस लेग स्पिन, ये दोस्तों शायद ही खेलेंगे, मेरे हिसाब से दोनों को जगह ही नहीं मिलेगी 6th और 7th नंबर वाले प्लेयर्स को, ये है ना दो। जस्टिन रॉय वर्सेस एडम मिलन 33 गेंद 43 रन 1 बार आउट हुए। इमरान ताहिर दोस्तों यहाँ पर जस्टिन रॉय को 9 गेंद 9 रन 1 बार आउट करा है।
विल जैक्स वर्सेस टॉम हेलम एक बार आउट करा है। एडम मिले ने दोस्तों विल जैक्स को 19 गेंद 33 रन दो दफा आउट करा और दोनों बार दूसरी पारी के अंदर आउट करा, तो दिक्कत है दोस्तों थोड़ी सी है यहाँ पर। लैक्स उनके सामने भी फंसते हैं, 18 पारी में 7 बार आउट हुए विल जैक्स। नारायण का स्ट्रगल है बैनी होवल इमरान ताहिर के सामने, और दोस्तों इमरान ताहिर को निकाल सकते हैं अगर बॉलिंग करेंगे तो, हाई चांसेस है। सैम बिलिंग्स वर्सेस बैनी होवल, ये दोस्तों बहुत अच्छी प्लेयर बैटल है। 42 बॉल्स 41 रन, 4 दफा आउट करा है सैम बिलिंग्स यहाँ पर बैनी होवल के सामने और 4 ओवर पहली पारी के अंदर। एडम मिलिम ने दोस्तों यहाँ पर इनको आउट नहीं करा, तो एक ही मतलब देखो फिर टॉम हेलम ने इमरान ताहिर ने एक बार आउट करा है। कॉलिन इंग्राम आएंगे दोस्तों यहाँ से, इनका स्ट्रगल है बैनी होवल के सामने। मोइन अली के सामने 13 गेंद 7 रन है, तो दोस्तों आपको पता है कोलिन इंग्राम लेफ्टी बैट्समैन है और सामने मोइन अली रहेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। इमरान ताहिर 2 बार आउट कर चुके हैं इनको और दोनों बार पहली पारी के अंदर आउट करा। लॉरी वांस वर्सेस बैनी होवल, टॉम हेलम, एडम मिलन एंड इमरान ताहिर। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉमन कैप्टन लियम लिविंगस्टन मोइन अली, बड़ी लीग्स में इसको बनाना है। यहाँ पे दोस्तों बड़ी लीग्स में आप बनाओ मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, सुनील रैना, जसन रॉय, तो 4 दोस्तों मेरी एमवीपी प्लेयर्स हैं, बोलते हैं ना अपन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स। अलग जाने फिन एनल, विल जैक्स, टॉम गोरन को आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टीम्स की, तो देखो दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों कैप्टन है मोइन अली, वाइस कैप्टन है पहले लियम लिविंगस्टन हो गए, यहाँ से विल समित, फिन एलन, जस्टिन रॉय, सैम बिलिंग्स, सुनील नारायण, आप देख सकते हो दोस्तों। और आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना है, या फिर दोस्तों आप चैनल पे नहीं हो ना तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको चीज़ें पसंद आती है दोस्तों, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा दोस्तों, फैसला आपका होता है हमेशा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखने आते हो दोस्तों वीडियो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आपको चीज़ें पसंद आती है नहीं पसंद आती है दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है हर चीज़। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, वही कहूँगा रिस्क लेने से दोस्तों डरना नहीं है, लाइफ में बड़ा पाना है तो दोस्तों रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तो सैम बिलिंग्स यहाँ पे एक एमवीपी प्लेयर है, और दोस्तों क्रिस बेंजामिन भी बहुत अच्छे प्लेयर है, उसको ग्रैंड लीग्स में जरूर ट्राई करना, थोड़ा नीचे खेलते हैं। अब आएंगे फिर यहाँ से कौन बैटिंग के अंदर, जस्टिन रॉय इंपॉर्टेंट, फिन एलन दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेफ्ट आर्म पेसर सामने, इसका नाम अरिस्टो प्ली, शाकिब महमूद दोस्तों शायद ही परेशान कर सकते हैं, दोनों ही टीम में थे वैसे तो पहले। मैच सेवन दोस्तों रिस्की है, विल समित दोस्तों एक अच्छे प्लेयर है, देखते हैं क्या करते हैं उस मैच के अंदर। कॉलिन इंग्राम का दोस्तों फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न होना, मैं पक्का इनको प्रेफर करता, ये बहुत ही टेक्निकल साउंड प्लेयर है। फिर आएंगे यहाँ से मोइन अली इंपॉर्टेंट, लियो लिंगस्टन इंपॉर्टेंट, नारायण इंपॉर्टेंट है। अब बैनी होल दोस्तों ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं अच्छे खासे, इनका मेरे हिसाब से प्लेयर बैटल के अंदर भी अच्छा खासा नाम था बैनी होल का प्लेयर बैटल के अंदर ना। विल जैक्स दोस्तों हार्ड हिटर बैट्समैन है, मेरे हिसाब से इनको भी दोस्तों ट्राई जरूर करना है, शायद मैं इसको आखिरी के अंदर कैसे भी प्रीफर कर लूँ, अगर देखते हैं दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से। एडम लेन इंपॉर्टेंट है, टॉम करन इंपॉर्टेंट है, शाकिब महमूद इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों मेरे लिए शम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट मैच में इसने एक विकेट निकाला 22 रन देके 20 गेंदों के अंदर, और एक दोस्तों कैच भी ड्रॉप होता है जॉर्डन क्लार्क के हाथ से, मतलब फील्डिंग कर रहे थे ना, ये सर्कल होता अपना लेग साइड का, ये मतलब बाउंड्री रूप समझ लो, वो यहाँ पे खड़े थे दोस्तों, उनको थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था पीछे, लेकिन चलता दोस्तों कोई बात नहीं है। और कभी कभी क्या होता है जो अच्छे बॉलर्स होते हैं ना दोस्तों, उनको क्या करते हैं जो बैट्समैन होते हैं उनको डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं, डिफेंस बहुत करते हैं, तो फिर दोस्तों कभी कभी वो विकेटलेस भी चले जाते हैं और रिकॉर्डिंग अच्छी चली जाती है दोस्तों, वैसा भी होता है, तो थोड़ा सा लक फैक्टर है। रिस्टोपली ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, आपको सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। तब तक के लिए देखते मतलब तब तक के लिए देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, और दोस्तों अगली दफ़ा मिलते हैं, और लाइफ में दोस्तों खुश रहे, जिंदगी एक बार मिलती है यार, अप्स डाउन हमेशा आते हैं दोस्तों लाइफ के अंदर, पर डीमोटिवेट नहीं होना दोस्तों लाइफ के अंदर, ठीक है, अपने गोल्स की तरफ लाइफ में दोस्तों खुश रहें, ये आपसे कहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, लव यू, विदाउट यू आई एम नथिंग, जय हिंद, जवान, जय किसान।